ये बड़ा सुख है पता है जीटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। दिन बहुत बढ़िया है, धूप बढ़िया निकली है, बट हल्की हल्की स्नो अभी भी गिर रही है। मैं सोचा धूप बढ़िया, थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा काम वाम निपटाया जाए बाहर का यार। तो इट्स ऑलवेज गुड इस मौसम में गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करें, क्योंकि गाड़ी बहुत ठंड होती है। क्या बढ़िया धूप लग रही है, मज़ा आ रहा है। इतने टाइम से बाहर नहीं निकले हैं, आई थिंक स्नो पर दादा बाहर निकलते रहे हैं। तो सोचा थोड़ा निकल के थोड़े काम निपटाते हैं, डॉलर स्टोर वगैरह जाना है, थोड़ा इधर उधर एक दो काम और है वो करते हैं, साथ में आपको भी लेके चलते हैं। सब गाड़ी में बैठ के हीटर लगा के माय डियर मिसेस की वेट हो रही है। तो यहाँ पे ओंटारियो में अरुणो आप में से कितने कैनेडा में हैं, जो नहीं है उनको अरुणो पता है कि हमारे यहाँ पे केसेस जो हैं कोविड के वो थोड़े कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने लॉकडाउन भी एक्सटेंड कर दिया है स्पेसिफिकली ओंटारियो में। साथ में यहाँ पे स्टेट ऑफ एमरजेंसी लगा हुआ है, तो आप किसी के घर नहीं जा सकते हैं, आप डाइन आउट नहीं कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा नहीं सकते हैं। तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हैं, तो इसलिए हम भी काफ़ी टाइम से नहीं निकले, ओनली फॉर एसेंशियल। लाइक अगर ग्रॉसरीज का कुछ लेना है, जैसे डॉलर स्टोर से भी मुझे कुछ सामान लेना है, अगर खाने का सामान आपने पिक करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फॉर दोज थिंग्स यू कैन स्टिल गो आउट। तो गाइस पहला स्टॉप हम एक्चुअली यहाँ पे आए हैं, ये पे डोनेशन बॉक्सेस होते हैं, जिसमें अगर आपके कोई कपड़े हैं जो आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज़ द गुड थिंग, अगर आपको लग रहा है कोई कपड़े हैं जो आप किसी और के काम आ सकते हैं, कोई भी चीज़ तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको ढूंढने हैं तो अपने एरिया में गूगल करिए, दिस इज़ कॉल्ड यूज्ड क्लोथिंग डोनेशन बॉक्सेस। सो डालते हैं इसमें। एंड अब थोड़ा सैनिटाइजर। एक तो यार सैनिटाइजर लगा के ना हाथों की जो स्किन है ना बहुत बहुत रफ होती जा रही है, तो मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम घर पे लगाता रहता हूँ, पर आई डोंट नो व्हाई सैनिटाइजर आई थिंक आदत नहीं है, और अब 5-6 महीने से हम बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर लगा रहे हैं। एंड जब मैं लगाता हूँ तो मैं गाड़ी का गियर या फिर स्टीयरिंग नहीं टच करता हूँ, क्योंकि ये भी ना रफनेस होती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसमें अल्कोहल ही है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब करता है। तो या बट अब यही नई लाइफ है, इसके साथ ही जीना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। ये मॉल को तो खाली पड़ा हुआ है, एक मिनट, एक दो शॉप्स खुली हैं, डॉलर स्टोर वहां पे है कॉर्नर पे लेफ्ट में। पूरा खाली है, शॉप सारी बंद है। आई नो यार इस स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, आई होप सब जल्दी खुले और सब ठीक हो। यहाँ पे जो आइटम्स हैं सारी $1, $2, $3 मैक्स $4 की होती हैं, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, क्वालिटी भी सामान की बहुत अच्छी होती है। सामान और यहाँ पे कोई भी चीज़ $4 से ऊपर नहीं होती है, $1, $1.50, $2, $3, max $4। माय डियर मिसेस देखिए क्या क्या लिया है अभी तक, क्या क्या उठाया अभी तक के मैच करने वाला, ये क्या चीज़ है, ओह ये फ्रिज के अंदर बचाने वाला, ऐसी बहुत रिजनेबल चीज़ें यार, बहुत टिकाऊ सामान है, स्पिरिट्स वगैरह, ये जो एरोस आप देख रहे हैं ये कोरोना टाइम पे बनाई गई हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएं। हाय डियर मिसेस, ये बैटरीज कार फॉक्स के लिए, कार की इसके लिए आपको बैटरी चाहिए, डॉलर स्टोर चाहिए, यहाँ पे आपको $1 से $2 तक वो मिल जाती हैं, वॉलमार्ट वगैरह मत जाइए वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और यहाँ पे आप देखें सारे इलेक्ट्रॉनिक हेडसेट्स काफ़ी और चीज़ें भी आपको $1.50 से $2.50 तक की मिल जाती हैं। आपको बल्ब्स लेनी है तो यहाँ पे $1.50 से $2 के मिल जाते हैं, ये हाई एफिशिएंसी वाले शायद ना मिले, बट रोज़ाना के काम के लिए कोई भी बल्ब चाहिए हो आप यहाँ से ले सकते हैं।
उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए गार्डनिंग का भी सामान मिल जाता है एंड आगे बकेट्स, ये सब दो से ढाई से तीन डॉलर की आपको मिल जाती पीने हैं। का भी मिल ये सारा जो लोग हैंडी है उनके लिए टेप्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगी। पाइप्स वगैरह लॉक्स इट्स रियली गुड यार, सब कुछ मिलता है। और कई प्राइजेस तो मैं खुद देख के हैरान चाहता हूँ कि इंडिया से भी मुझे सस्ते लगते हैं कई चीज़ों के प्राइस तो, मतलब ये चीज़ें लेनी हो तो मुझे लगता है डॉलर ऑम इज़ रियली गुड। खाना पीना हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेनी है तो कभी कभार उठा लिया, बट खाना भी काफ़ी हद तक मिलता है, कैंड फूड एंड थोड़ी बहुत ये चीज़ें, बाकी आगे हैंड सॉप्स वगैरह वो सब भी मिलता है। ये देखिए रोड साइंस, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये भी कंस्ट्रक्शन की रिलेटेड भी, पेंटिंग वॉल पेंटिंग एंड ऑल सब यहाँ पे मिलता है। बाकी ये देखिए सारा, आई थिंक कौन सा सेंट पैट्रिक्स डे आ रहा है, सी इज ऑल ग्रीन। सो घर पे किसी को पार्टी करनी है कुछ करनी है तो पूरा कॉस्ट्यूम का एक्सेसरीज मेकअप सब यहाँ पे मिल जाएगा। एंड प्राइस देखे थे इसका कितना है, $2, नॉट बैड यार। हेयर बैंड्स कितने की हैं, ये कैप $3 की है, ये गाड़ी के अंदर डालना है अगर विंडशील्ड के अंदर आपका स्नो ना आइस ना बने उसके अंदर। ये अगर आपने बाहर गार्डन में कुछ लगानी है लाइटनिंग, ये सोलर से होती है, इसमें बैटरीज नहीं डलती, $4 की है यार, क्या बुरी है। ये भी अगर गार्डनिंग में डेकोरेट करना है, फेंसेस छोटी छोटी डेकोरेशन के लिए लगानी है तो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए माई डियर मिसेस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सॉफ्ट आइस इज सॉफ्ट आइस ऑन द एवरेज $3 से $4 के। माय डियर मिसेस परेशान है क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और स्लो स्लो चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा आगे ही होता हूँ स्पीड में। सर्टिफिकेट लेना तुमने कोई अपने लिए सर्टिफिकेट? अच्छा लग रहा है, चलो अच्छी लग रही है ट्राई। बस आज का ही दिन है, टुडे इज द डे, $3-4 किया। यहाँ पे आपको अपना सारा टॉयलेटरीज का सामान, डिओड्रेंट्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश सब कुछ मिल जाता है। किसी भी ओकेजन के लिए आपको गिफ्टिंग कार्ड्स चाहिए, यहाँ पे हद से ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है। देन आपको घर के लिए प्लास्टिक के कप्स, प्लेट्स या फिर कुछ भी सामान चाहिए वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल होता है। तो हम मोस्टली कभी भी जैसे कोई घर पे गेस्ट आ रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर ओन कटलरी वी प्रेफर कि प्लास्टिक का यूज़ करें ताकि बाद में आप फेंक पाएं उसे। सेकेंड स्टॉप ऑल्सो डन डॉलोरामा। हम आई थिंक 5-6 महीने के बाद आए हैं यहाँ पे डॉलोरामा एंड शुक्र है यहाँ पे भीड़ नहीं थी। पहले दूसरे डॉलोरामा पे गए थे, वहाँ तो कम्प्लीटली पैक था, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप जाना है खाना पिक करने के लिए, जो कि अभी डिबेट चले कि खाना क्या है तो जाते हैं गाड़ी में और डिसाइड करते हैं कि खाना कहाँ से पिक करना है। तो हियर वी हैव देसी बार एंड ग्रिल का सो कॉल्ड वर्ल्ड फेमस बटर चिकन। देखते हैं वर्ल्ड फेमस है या नहीं।
उनके मेन्यू पे लिखा होता है वर्ल्ड फेमस, अंदर से अच्छा भरा हुआ है जो रेस्टोरेंट है, बट अभी वही लॉकडाउन की वजह से नहीं कर सकते डिनर, अंदर बैठ के डाइन इन नहीं कर सकते हैं, बट होपफुली जब सब ठीक होगा तो विल कम हियर। यार ये बड़ा सुख है पता है, जी टी एम ए मिसिसॉगा और ब्रैम्पटन भी पास है कि यार खाने पीने की बड़ी अच्छा है, देसी खाना खाना है तो ये बहुत सुख है सीरियसली यहाँ पे। चलो घर चलते हैं और खाते हैं फिर खाना। बहुत अमेजिंग लग रहा है, देखते हैं इसे। सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, जैसा आपने देखा वर्ल्ड फेमस बटर चिकन हम लोग ले आए हैं, उसको खा के देखते हैं, दिखने में तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए आज हमारे जो तीन टास्क थे दिन के, हमने तीनों कंप्लीट करे। आई होप जहाँ जहाँ आपको लेके गए हैं आपने भी साथ साथ हमारे उन कामों को इंजॉय कराओ। एंड गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आप सब अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। And that's it for now. Signing out, Indo-Canadian Desi.